तो हाय, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल MS चलती पर। तो दोस्त, अगर आप बाइक की सर्विसिंग करते हैं, मतलब आप मैकेनिक हैं, या फिर आप मैकेनिक नहीं हैं, आपके पास बाइक है और आप कहीं पर सर्विसिंग कराते हैं किसी शॉप में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्विसिंग के दौरान बाइक में किन किन पार्ट्स को खोला जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं इस बाइक के कौन कौन से पार्ट्स खोलता हूँ। तो देखिए दोस्त, आगे का जो पहिया होता है उसको बहुत अच्छे से खोला जाता है, साफ़ सफाई की जाती है, और जो वायरिंग होती है उनमें ग्रीसिंग की जाती है। कार्बोरेटर खोला जाता है, साफ़ सफाई की जाती है इसकी भी, और इसके जो टैपिट होते हैं उनको भी सेट किया जाता है। इंजन ऑयल चेंज किया जाता है सर्विसिंग के दौरान, जो कि कॉमन बात है। एयर फिल्टर को भी क्लीन किया जाता है, और ये जो चैन होती है इस चैन को भी बहुत अच्छे से क्लीन किया जाता है और इसको सेट किया जाता है, ना ही ये ज़्यादा ढीली हो और ना ही ज़्यादा ये टाइट हो। और पीछे का भी पहिया खोला जाता है, जिसमें बहुत अच्छे से बैरिंगों पर ग्रीसिंग की जाती है और बहुत अच्छे से साफ़ किए जाते हैं विरक्तू और हब वगैरह। ठीक है, यहाँ से इस साइड से पहिया खोला जाता है। और मैं आपको बताऊँ, स्पार्क प्लग, जैसा मैं आपको दिखाऊं, ये स्पार्क प्लग खोला जाता है, स्पार्क प्लग को भी क्लीन किया जाता है। और ये आप जो देख पा रहे हैं एक्सेलेटर मुट्ठा, इसमें ऑयलिंग की जाती है, और भी जो तार हैं उनमें भी ऑयलिंग की जाती है। और भी कुछ बाइक के हिसाब से छोटे मोटे काम हो सकते हैं जिनको किया जाता है, जैसे कि पूरे गाड़ी के नट बोल्ट चेक कर सकते हैं और किए जाते हैं ताकि कहीं से बाइक आवाज़ ना करे। और जो रनिंग पार्ट्स होते हैं बाइक में, स्टैंड वगैरह, उनमें ऑयलिंग की जाती है। ठीक है दोस्त, ये और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम हो सकते हैं जिनको किया जाता है। तो दोस्त, मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि बाइक में सर्विसिंग के दौरान कौन कौन से पार्ट्स खोले जाते हैं, पर कैसे खोले जाते हैं, क्या क्या होता है उनमें, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीके से नहीं बताया है। अगर मैं बताऊंगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा, क्योंकि आधा एक घंटा लगता है सर्विसिंग करने में। ठीक है, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पर अगर आप जानना चाहते हैं तो एक एक पार्ट्स करके मैं आपको बता दूंगा कि आगे का पहिया कैसे होता है, कैसे खोला जाता है, कैसे बांधा जाता है, कार्बोरेटर कैसे खोला जाता है, कैसे बांधा जाता है। ये आपको वीडियोज़ मिल भी जाएंगी और मैं भी आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप चाहते हैं तब। और दोस्त, मैं आपको बताऊँ बाइक के हिसाब से पार्ट्स खोले जाते हैं। देखिए, भारी जो गाड़ियाँ होती हैं उनके पार्ट्स थोड़े कम खोले जाते हैं, जैसे जो डिस्क पैड होते हैं, जो पहियों में विरक्तु नहीं होते हैं, डिस्क पैड होते हैं, तो वो पहिए नहीं खोले जाते हैं। ठीक है, उनके डिस्क पैड साफ कर लिए जाते हैं। बहुत सी बातें हैं, गाड़ी के हिसाब से पार्ट्स खोले जाते हैं, लेकिन ये मैंने आपको स्प्लेंडर बाइक की सर्विसिंग के बारे में बताया है। तो दोस्त, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि कभी कभी हम मैकेनिक लोग आलस कर जाते हैं, कभी कभी हम कुछ पार्ट्स को ऐसे ही चला देते हैं और आलस कर जाते हैं, नहीं करते हैं। तो दोस्त, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सारे पार्ट्स खोलने चाहिए और बहुत अच्छे से सर्विसिंग करनी चाहिए, ताकि जो भी कस्टमर है वो हमारे पास से खुश होकर जाए। आप अगर थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो काम सर्विसिंग में किया जाता है, अगर उस काम को करने के बाद भी कोई और दिक्कत है छोटी मोटी बाइक में, तो आपको करना चाहिए ताकि आपके पास से कस्टमर खुश होकर जाए। ठीक है दोस्त, आपको आलस नहीं करना चाहिए, तो ये काम तो आपको ज़रूर करना चाहिए जो जो मैंने आपको बताया। मैं दोस्त करता हूँ ये, और सब खोलता हूँ मैं, बहुत अच्छे से सर्विसिंग करता हूँ। और दोस्त, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरी मेहनत को सफल बनाएं। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, बिजनेस के बारे में या फिर बाइक की किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड मैं आपको इस चैनल पर वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ज़्यादातर मैं आपको बताता रहता हूँ, बिजनेस के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो दोस्त, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है, तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।